It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. You've come a long way. 무지코 기시네야기야 매아야. अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों और उनकी प्यारी 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 बहनों, अब एक मिनट की खामोशी इख्तियार करें. 1, 2, 3 खामोश. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. जी हाँ, आज हम मौजूद हैं कॉमिक्स कॉलेज में, कॉमिक्स कॉलेज PECHS. हमें पता चला है कि ये कॉलेज कराची का मोस्ट वांटेड कॉलेज है और इस कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए लोग तड़पते हैं. आइए जानते हैं आज कॉमिक्स की कहानी स्टूडेंट्स की जुबानी. हमारे साथ मौजूद है अरुण कुमार जो हमारे कॉलेज के सीनियर हैं और हमारे चीफ प्रोक्टर भी रह चुके हैं. तो अरुण, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपका इस कॉलेज में पहला दिन कैसा रहा? एक्चुअली मेरा पहला दिन तो बहुत अच्छा था. पहले दिन पे हम बहुत सारे नए लोगों से मिले और फर्स्ट डे जो था मैं बहुत नर्वस रहता था. टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव थे. पहले दिन पे मुझे लगा कि बहुत सारे मुझे जो प्रॉब्लम्स थे वो मेरे हल हुए पहले दिन. तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि कॉमिक्स इज अ वंडरफुल प्लेस टू लर्न थिंग्स एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स. मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि आपका सबसे बेस्ट जूनियर कौन सा? वैसे तो हमारी जूनियर्स के साथ तो बहुत बनती थी, तो जूनियर्स ऐसे बता नहीं सकता कि कौन जूनियर था. सभी की तरह थे, सभी ने हमारे साथ कॉपरेट किया. एंड के वक्त भी, फेयरवेल के टाइम पे भी हमारे साथ कॉपरेट करते रहे और होपफुली सभी अच्छे. तो अली, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपका पहला दिन कॉलेज में कैसा गुजरा था? पहला दिन कॉलेज में बहुत अच्छा गुजरा था. कंफ्यूज था, नए नए लोग थे, अजीब अजीब से, कोई ओ लेवल से आया हुआ है, अरुण जैसे लोग थे. अब क्या करे बंदा, उसी में गुजारा करना पड़ा, बस यही हो. बेस्ट जूनियर कौन सा था? बेस्ट जूनियर, जूनियर्स में ऐसा कोई भी नहीं था जिसे बेस्ट कंसिडर किया जाए. बेस्ट के आसपास, बेस्ट के आसपास दोस्ती सबसे थी. सागर अच्छा था. क्वेश्चन ये है कि क्या ये कॉलेज, ये कौन सी मेमोरीज आपको कॉलेज ये दे गया है? लाइक डिसिप्लिन के हवाले से, स्ट्रिक्टनेस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, क्या चीज़ें आपको कॉलेज ये बता सका है? लाइक बहुत लोग कहते हैं प्राइवेट कॉलेज इज समथिंग के वहाँ पे बच्चा लर्न नहीं करता, और मेरा आदमजी में भी हो गया था. लेकिन डेफिनेटली मैंने कॉमिक्स चूज़ किया और कॉमिक्स में मैंने डिसिप्लिन सीखा, पढ़ाई, मेरे कनेक्शंस बने, टीचर्स के साथ मेरा ताल्लुक एक अच्छा बना. तो दैट्स क्वाइट गुड कि कॉमिक्स मेरे लिए अच्छा साबित हुआ, बाकी लोग जाए जैसा भी कंसिडर करें. तो राफेल, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका कॉलेज में पहला दिन कैसा गुजरा था? बहुत अच्छा गुजरा था. कोई नए दोस्त नहीं थे, बाद में जाके दोस्त बने मेरे साथ. सबसे बेस्ट आपका जूनियर कौन था? जूनियर बुरान. रीजन? मेरा वो पुराना दोस्त बुरान, इसलिए. जो बात है, थैंक. पहला क्वेश्चन ये है कि आपको इन दो सालों में सबसे ज़्यादा तंग किसने किया? फर्स्ट ईयर तो मेरा बहुत अच्छा गुजरा, यहाँ पर बहुत सुकून से गुजरा. और उसके अलावा सेकेंड ईयर में शुरू में अरुण ने मुझे बहुत तंग किया, बहुत हुक्म दिया मुझे, लेकिन फिर एंड में उसने मेरी बहुत मदद की और मतलब काफ़ी अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बना था उसके साथ. आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका इस कॉलेज में कोई ऐसा बंदा जिसको आप भाई नहीं बोल सकती? कॉलेज में अगर कोई किसी को हम ढिंचक पूजा बनाए तो वो कौन होगा? होगी मुझे अर्शला भाई. आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपको चीफ ऑर्गेनाइजर का अवार्ड भी मिला है, तो सबसे मुश्किल इवेंट कॉमिक्स में कौन सा था जो आपने मैनेज किया था? सबसे मुश्किल इवेंट मेरे लिहाज से जो था वो फिर फनबिज था. फनबिज में काफ़ी कम टाइम था हमारे पास और डिफरेंट थीम्स थे जिस पे काम करना था और ओवरऑल सबको देखना था, बिजनेसेस थे, तो उस लिहाज से
سب سے سخت اگر میں نے مینیج کرا ہے وہ ہے فن بلز. کبھی آپ نے کسی کو سفارش کر کے کسی کی جان بچائی؟ مطلب کسی نے غلطی کر دی آپ نے سفارش کی کہ یہ نہیں کر سکتا؟ کرنا پڑتا ہے دوستی کے خاطر. ایک نہیں کافی ایسے لڑکے ہیں جن کو بچایا گیا سفارش کر کے. اب ان کے میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن ایسے کافی لڑکے ہیں جن کو بچایا میں. غلطی بتا سکتے ہیں؟ نہیں وہ بھی نہیں بتا سکتا. وہ کون سا ٹیچر تھا جس کو آپ نے سب سے زیادہ تنگ کیا ہو؟ سر ادریس وہ ٹیچر تھے جس کو میں نے سب سے زیادہ تنگ کیا تھا. کالج میں پہلا دن تو اس لیے تھا کہ بس میں پنجاب کالج میں آیا تھا تو ایک ماماز بوائے ممی ڈیڈی بچہ بیٹھا ہوا کلاس میں چپ چاپ. اور اس کے بعد پھر کالج میں آ سب سے مشکل آپ کا ایونٹ کون سا تھا؟ سب سے مشکل ایونٹ یہ جو ابھی فیول ہو رہی ہے اس میں میرا, میں تو بولتا ہوں کہ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا اس چیز کا, میں اپنے آپ کو فیول نہیں دے رہا تھا. بس اس میں کیا بولتے ہیں ٹرافی مجھے ملی ہے بھائی.